नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि मौन रहने के 6 फायदे। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऊर्जा की कमी, लैक ऑफ एनर्जी होने के साथ साथ लोगों में तनाव की स्थिति भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में तनाव से छुटकारा पाने के लिए योग और साधना, योगा एंड मेडिटेशन को एक बेहतर विकल्प माना गया है। लेकिन खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का एक और विकल्प है हमारे पास। आपने मौन व्रत के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मौन व्रत रखा है? अगर नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको मौन व्रत रखने से होने वाले जबरदस्त फायदों के बारे में बताएंगे। दरअसल मौन व्रत एक प्रकार की साधना है, जिसका अभ्यास कर आप खुद को ऊर्जावान और समृद्ध बना सकते हैं। मौन व्रत का अर्थ है एक तय समय तक आपको कुछ नहीं बोलना होता है। मौन व्रत रखने की परंपरा सदियों पुरानी है। कई साधु संत भी इस साधना का अभ्यास करते हैं। मौन व्रत रखने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आप अधिक ऊर्जावान होते हैं, दिल के स्वास्थ्य के लिए भी यह काफी मददगार माना जाता है। आइए जानते हैं मौन व्रत रखने से शरीर को होने वाले कुछ फायदों के बारे में। आपने ये कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब ज्यादा बोलने लगता है, खासकर ऊंची आवाज में, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने का भी डर रहता है। इसलिए इतने शोर से भरी जिंदगी में हृदय को सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए कुछ समय मौन अवस्था में रहना अच्छा माना जाता है। शांत रहना आपके हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मौन व्रत से आपका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट रहता है। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। साथ ही मौन व्रत आपके शरीर में रक्त का संचालन भी सुचारू रूप से करने में मदद करता है। अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप जल्दी रो देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बाद में आपको पछताना पड़ता है, तो आपकी भावनाएं आपके वश में नहीं हैं। भावनाओं को मजबूत करना जरूरी होता है। भावनाओं की मजबूती के लिए मौन व्रत बहुत अच्छी साधना है। मौन रहते समय आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं। जब आप अकेले कुछ पल के लिए मौन रहते हैं, पका दिमाग आपकी भावनाओं को बेहतर स्तर पर प्रोसेस करता है। उस समय आपके ऊपर किसी स्थिति या इंसान का दबाव नहीं होता। आप अपनी भावनाओं को समझकर आगे के लिए किस जगह पर किस तरह भावनाओं को काबू करना है, ये आप सीख पाते हैं। मौन व्रत रखने से आपको सबसे अधिक लाभ अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाने में होता है। मौन रहते समय दिमाग शांत रहता है। इससे आपका फोकस बना रहता है, आपकी एकाग्रता दुगनी हो जाती है। जब शोर हमारे कानों तक पहुंचता है, तो दिमाग का फोकस टूट जाता है। एकाग्रता बनी रहे, इसलिए अधिकतर विद्यार्थी मन ही मन पढ़ते हैं बिना कोई आवाज निकाले। क्या आपने कभी ये सुना है कि सुबह 4 से 5 बजे पढ़ने से सब याद रहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह बिल्कुल शोर नहीं होता, ना बाहर ना ही घर में, इसलिए पढ़ा हुआ सब याद रहता है। यही कारण है कि मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है और इससे सबसे ज्यादा लाभ छात्र उठा सकते हैं। पढ़ते समय या कुछ ऐसा काम करते समय जिसमें आपको एकाग्रता की जरूरत है, उस समय आप मौन व्रत धारण कर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एक आधुनिक विपत्ति है। साल 2013 के शोध में चिकित्सकों ने पाया कि 2 घंटे मौन रहने से दिमाग के एक अहम स्थान हिप्पोकैम्पस में नई सेल्स जनरेट होती हैं, जो कि याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करती हैं।
मौन व्रत रखने से इंसान पुरानी से पुरानी चीज भी याद रख पाता है। ड्यूक विश्वविद्यालय ड्यूक यूनिवर्सिटी के इस शोध के मुताबिक 2 घंटे का मौन आपकी याददाश्त को तेज करता है। जब सब कुछ शांत और स्थिर रहता है तो दिमाग के लिए चीजें याद करने और याद करके लंबे समय तक स्टोर करना आसान हो जाता है। मौन व्रत से भूलने की आदत खत्म हो जाती है, इससे याददाश्त तेज होती है। कुछ देर के लिए मौन हो जाएं और अपनी आंखें बंद करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत हल्का, शांत और स्थिर हो गया है। इतने समय में आपका दिमाग आपकी मेमोरी पावर बूस्ट करेगा। मौन रहते समय ब्रेन प्रोसेस करता है, इसलिए शोर से भरी इस दुनिया में कुछ पल मौन रहना एक जरूरत मानी गई है। मौन व्रत एक ऐसी साधना है जिससे अधिकतम तनाव मुक्त होता है। पौराणिक काल में ऋषि महर्षि कई दिनों तक मौन धारण किए रहते थे। आज के ऐसे वातावरण में जहां हर तरफ से तनाव मिल रहा हो, यहां मौन व्रत की सबसे अधिक जरूरत महसूस होती है। कई शोधों के मुताबिक मात्र 2 मिनट के मौन से आपका काफी हद तक तनाव दूर हो जाता है, तो सोचिए लंबे समय तक मौन व्रत करने से मस्तिष्क को कितना आराम मिलेगा। जो लोग मानसिक रूप से किसी भी बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जायटी आदि से जूझ रहे हों, उनके लिए तो मौन व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। मेंटल डिसऑर्डर के मरीजों को हमेशा सबसे पहले मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। मेडिटेशन भी एक तरह का मौन व्रत है। मौन रहते समय आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझते हैं। आप बाहरी दुनिया को छोड़कर कुछ पल अपने साथ बिताते हैं। दिन भर काम या पढ़ाई या घर आदि के तनाव से मुक्ति पाना हो तो बस मौन व्रत धारण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।